सुप्रभात विद्यार्थियों, आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्हों के बारे में आज हम जानकारी करेंगे, जिसका व्याकरण के अंतर्गत में बहुत ही महत्व है और इससे संबंधित चार का एक प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा भी जाता है। विराम, जैसा कि इसके नाम से विदित है, अपने कई बार सुनते हैं कि मैं यात्रा के दौरान थक गया और बीच में मुझे आधा घंटा विश्राम करना पड़ा। विद्यार्थियों, विराम का अर्थ भी आप यहाँ पर विश्राम ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहरना, रुकना। अंग्रेजी में आपने सामान्य भाषा में कह देते हैं रेस्ट करना। जब एक व्यक्ति अपनी बात को समझाने के लिए कहीं कम तो कहीं अधिक समय के लिए बीच में ठहरता है, रुकता है, विश्राम करता है, इस ठहरने के स्थान पर निश्चित संकेत अर्थात चिन्ह, निश्चित संकेत लगाए जाते हैं, वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। यानी एक मनुष्य अपने बात को समझाना चाहता है, अपने भावों को दूसरे तक संप्रेषित करना चाहता है, वाक्य बड़ा है, उसको एक श्वास में नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे मौखिक वार्तालाप करने की एक निश्चित सीमा है। उसके पश्चात हमें बीच में रुकना ही पड़ेगा और उस रुकने के लिए हिंदी व्याकरण में अपने कुछ संकेत निर्धारित हैं, जिन्हें अपने चिन्ह भी कहते हैं, उनका प्रयोग हमें करना होता है, जिससे हम अपने भावों को, विचारों को सुनने वाले श्रोता तक ठीक प्रकार से पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ विराम चिन्ह का महत्व है। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आने के साथ साथ भावों को समझने में भी सुविधा होती है। इसके साथ साथ यदि विराम चिन्ह का उचित स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाता है तो बहुत बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यदि किसी वाक्य को हमें समझाना है, अगले तक अपनी बात को प्रकट करना है और हमने अज्ञान के अभाव में, ना समझ के अभाव के अंदर उन विराम चिन्हों को अनुचित स्थान पर लगा दिया तो बहुत बड़ा उस वाक्य का अर्थ की जगह अनर्थ निकल जाता है। जैसे मान लीजिए अपने को कोई व्यक्ति भाग रहा है और उसको पकड़ना है, जाने नहीं देना है, हमें किसी ने कहा रोको और यहां पर अल्पविराम लग गया, रोको मत जाने दो, अर्थात जो व्यक्ति भाग रहा है उसको वहीं पर रोक लीजिए, जाने मत लीजिए, ये वाक्य का अर्थ निकल गया। परंतु इसी वाक्य को यदि हम ऐसे बोले रोको मत जाने दो, सामने सुनने वाला क्या देगा कि इस व्यक्ति को रोकना नहीं है, जाने देना है, जबकि क्या था उसको रोके ही रखना था। इस प्रकार से विद्यार्थियों, विराम चिन्हों का प्रयोग हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए समझना चाहिए। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, आज हम सिर्फ तीन विराम चिन्हों के बारे में समझेंगे, शेष विराम चिन्हों की चर्चा है वो अगले ऑनलाइन हिंदी व्याकरण के शिक्षण में अपने करेंगे। अल्प, अल्प का जैसे इसके नाम से पता है चलता है अपने को, कम, किसी वाक्य को बोलते समय
हमें बहुत ही कम समय रुकना है। जैसे अपने फलों के नाम बोल रहे हैं, आम, केला, अमरूद, पपीता, जामुन, तो इनके अंदर हमें कम समय रुकना पड़ रहा है। जिस वाक्य में हमें कम समय रुकना होता है वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा अपना विद्यार्थियों, अल्प विराम। अल्प का मतलब आधा यानी हाफ। अल्प विराम से ज्यादा समय जब अपने को लगता है तब वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम का प्रयोग विद्यार्थियों जब बड़ा वाक्य बोला जाता है तब प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं विद्या मंदिर से घर के लिए रवाना हुआ, सब्जी खरीदनी, शिक्षण कार्य के लिए अन्य सामग्री और खरीदी, तत्पश्चात मैं घर पहुंचा। यह विद्यार्थियों एक बड़ा वाक्य होने के कारण अल्प विराम से अधिक समय लगा है, तब इस अर्ध विराम का प्रयोग हमें वाक्य के मध्य करना होगा। तीसरा और आज का अंतिम विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम पूरा, एक वाक्य पूर्ण होने के पश्चात जब हम उसको रोक देते हैं वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैंने लिखा है विद्यार्थियों, विराम का शाब्दिक अर्थ ठहरना, रुकना। यहां मेरा यह वाक्य समाप्त हो गया। वाक्य की समाप्ति के पश्चात अगला वाक्य प्रारंभ करने से पूर्व जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वहां पर किया जाता है। विद्यार्थियों पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विराम चिन्ह के शेष बाकी चर्चा आपने अगले ऑनलाइन